नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे पैनिक शेयर के बारे में बात करेंगे कि जो सबसे अधिक कर्रा रिटर्न दिया है, मतलब अब तक का सबसे अधिक कर्रा रिटर्न देने वाला है। ये पैनिक स्टॉक है जिसके सामने बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री, जितने भी दिग्गज कंपनियां, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब कुछ, सब फेल है। इस कंपनी के आ गए अब तक का सबसे अधिक कर्रा रिटर्न देने वाला एक पैनिक स्टॉक है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, रिटर्न से ही बात करते हैं। देखिए, रिटर्न का मैंने यहाँ पे लगा दिया है 5 ईयर्स में 5,233%, और 1 ईयर में 3,641%, ठीक है। और 1 मंथ की बात तो छोड़ दीजिए, कम है 1.39%, 1 ईयर में 3,641% का रिटर्न। बताओ अब तक का कर्रा रिटर्न किसने दिया है? आई थिंक इस पैनिक स्टॉक के सामने सब फेल है, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये जो डेटा देख रहे हैं 3,641.93%, ये थोड़ा सा कम है। यहाँ से कहीं मैं इसको देखता हूँ, 5 फरवरी 2020 से, और अभी ये देखिए 4 फरवरी, मतलब कल से आप इसे चेकआउट करेंगे तो पड़ रहा है 5,585% का रिटर्न। मतलब अब तक का सबसे कर्रा रिटर्न देने वाला पैनिक स्टॉक है, ठीक है। देखिए, पैनिक स्टॉक स्टॉक में एंट्री करना सबसे बड़ा जो काम होता है, एंट्री का टाइम, मतलब आपका जो एंट्री टाइमिंग होना चाहिए ना, वो जबरदस्त होना चाहिए। कहीं आपका एंट्री टाइमिंग गड़बड़ है तो आप उस शेयर को लेके सड़ सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है 6 से 7 महीने, 1 साल तक सड़ सकते हैं। चलिए पहले हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे। देखिए, अब मैं होल्डिंग से स्टार्ट किया हूँ, देखते जाइए बस। होल्डिंग में देखेंगे प्रमोटर के पास 72.65% है, प्लेस परसेंटेज 0 है। देखिए, प्लेस परसेंटेज 0 है। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है। मतलब 72.65% के बाद रिटेल इन्वेस्टर के पास पड़ा हुआ 27.34%, ठीक है। देखते जाइए, देखिए होल्डिंग जबरदस्त है, मतलब कोई प्लेस परसेंटेज नहीं है, तो क्या हुआ, एक प्लस पॉइंट हुआ। अब दूसरा होता है फाइनेंशियल डेटा होता है कंपनी का, ठीक है, कि कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग है, कितना कर्ज है, और रिटर्न प्रोफाइल क्या है कंपनी का, मतलब प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, कंपनी का जो प्रोफाइल देखिए, नेट इनकम 2017 की बात करें तो 10 करोड़ 71 लाख रुपीज, और वही बात करें 2018 में 7 करोड़ 79 लाख रुपीज, और वही 2019 में बात करें 5 करोड़ 14 लाख रुपए, ठीक है। वहीं बात करें मार्च सॉरी 2020 की बात करें तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए। देखिए, यहाँ पे जो रिटर्न प्रोफाइल देख रहे हैं, स्टार्टिंग में जबरदस्त था, फिर उसके बाद कम होता गया, ठीक है। बट ये जो जिस कंपनी से, जिस सेक्टर से बिलोंग करने जा रहा है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है, उसमें क्या है, अब ग्रोथ देखने को मिला है। इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है, किसके लिए हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। मतलब एक कंपनी क्या बनाती है, रोड, रोड का काम देखती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, सिविल का काम करती है। देखिए क्या लिखा, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। द कंपनी ऑपरेट्स इन 3 सेगमेंट, सिविल, ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग एंड सोलर पावर जनरेशन। तो अभी कंपनी क्या है कि अब कंपनी का दिन स्टार्ट हुआ, कंपनी का जो दिन फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी कौन सा है, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, ठीक है, जो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त है। बट इस पैनिक स्टॉक में एंट्री करना सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है। देखिए, पैनिक स्टॉक में कहीं आप सही टाइम पे एंट्री करते हैं तो आप माला माल हो जाएंगे। देखिए, आप कहीं उस टाइम 1 ईयर पहले कहीं आप पैसा लगाए होते तो पर शेयर था 0.14 पैसा था, तो यहाँ पे आप 500 रुपये डाल दिए होते तो आज 500 रुपये का जो रिटर्न बनता है 20,000 के आसपास बनता है। मतलब 500 रुपये आपका बन जाता है 20,000 रुपये जस्ट 1 ईयर में। तो देखिए, मेन बात होता है किसी भी पैनिक स्टॉक में एंट्री करने करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं सही टाइम पे आप एंट्री करते हैं पैनिक स्टॉक में तो पैनिक स्टॉक भी जबरदस्त मुनाफा कमा के देता है, ठीक है।
आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन, ये सुझाव अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा जरूर सब्सक्राइब कर दें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।